नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉक रूम में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफर या ये कहें प्रपोजल की डेफिनेशन की और उसके सारे एसेंशियल के बारे में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ज़्यादातर एग्ज़ाम में 10 या 20 नंबर का आता ही आता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपके भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 10 या 20 नंबर का आता है तो हम बताएंगे आपको कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है या कैसे लिखना है। और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे आपको कि अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता है तो आपको कैसे करना है और 20 नंबर का आता है तो आपको इसको कैसे करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल कि इस वीडियो में सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रपोजल की डेफिनेशन से, जो कि बताई गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A के अंदर, जो कहती है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल। यानी कि दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने की अपनी इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने इस आशय से रखता है कि वह व्यक्ति उसकी उस इच्छा पर कोई प्रतिक्रिया दे, या तो पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे, तो इस इच्छा को हम कहते हैं ऑफर या फिर प्रपोजल। क्लियर करते हैं इस पॉइंट को, इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से। मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति है जो बी नामक व्यक्ति से कहता है कि उसके पास एक कार है जो वो 2 लाख रुपए की बेचना चाहता है, तो क्या बी नामक व्यक्ति उस कार को खरीदेगा? दोस्तों, यहाँ पर ए नामक व्यक्ति है, उसकी इच्छा क्या है? कार बेचने की। तो वो बी नामक व्यक्ति के सामने रखता है और बी नामक व्यक्ति से चाहता है कि वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे, या तो वो हाँ कहेगा या ना कहेगा, तो ये कहा जाएगा कि उसने प्रपोजल किया है। ये थी प्रपोजल की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि प्रपोजल को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल जो हैं वो मैंडेटरी होते हैं। तो ऊपर दी गई डेफिनेशन के हिसाब से हमने कुछ एसेंशियल निकाले हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। यानी कि दोस्तों, जो ऑफर किया गया है, जो प्रपोजल रखा गया है, वो दोनों पार्टीज़ के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट करने के पर्पज़ से किया जाना चाहिए। अगर कोई भी प्रपोजल सोशल और मॉरल रिलेशन को क्रिएट करने के लिए किया गया है तो वो प्रपोजल जो है वो प्रपोजल नहीं समझा जाएगा। क्लियर करते हैं इस पॉइंट को, इस एसेंशियल को एक एग्जांपल से। दोस्तों, ए नामक एक व्यक्ति है जो बी नामक व्यक्ति को खाने पर बुलाता है, प्रपोजल रखता है कि आज मैं खाने पर आपको बुलाऊंगा और आपको आना है। बी नामक व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है और शाम को वो पहुंचने में असमर्थ हो जाता है, यानी कि वो नहीं पहुंच पाता। अब ए नामक व्यक्ति जो है वो कोर्ट में सूट फाइल कर देता है कि जो बचा हुआ खाना, जो खाना वेस्ट हुआ है, उसका कंपेंसेशन उसे बी से दिलाया जाए। दोस्तों समझिए, क्या यहाँ पर कोई लीगल रिलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को खाने में बुलाया, बी नामक व्यक्ति जो है आने में असमर्थ हो गया, तो यहाँ पर कोई लीगल रिलेशन बिल्ट हुआ? नहीं हुआ। तो कोर्ट ने बताया इस केस में कि जहाँ पर पार्टीज़ के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होगा वो प्रपोजल नहीं समझा जाएगा। बात करते हैं अगले एसेंशियल की। मेयर स्टेटमेंट ऑफ वंस इंटेंशन इज नॉट सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट ऑफर। यानी कि दोस्तों, किसी व्यक्ति की सिर्फ स्टेटमेंट जो है वो ऑफर कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए या प्रपोजल रखने के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्लियर करते हैं इसको भी एक एग्जांपल से। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति से कहता है कि मेरे पास कुछ भेड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि उन्हें बेच दूँ, तो क्या ये एक ऑफर होगा? नहीं, क्योंकि दोस्तों हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है कि व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे, और वो जो अपनी इच्छा है इस आशय से रखता है कि सामने वाला व्यक्ति उस पर प्रतिक्रिया दे। तो क्या किसी की स्टेटमेंट पे कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया दे सकता है? नहीं। जैसे इस एग्जांपल में ए ने बोला कि मैं चाहता हूँ अपनी भेड़े बेच दूँ, तो क्या इस पर बी कह सकता है कि हाँ मैं खरीदूँगा या नहीं खरीदूँगा? नहीं। तो सिर्फ किसी व्यक्ति की स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है किसी ऑफर को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। बात करते हैं अगले एसेंशियल की। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। यानी कि दोस्तों, जो ऑफर है, जो प्रपोजल है,
वो कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी से। दोस्तों यहाँ पे कम्युनिकेट का मतलब है नॉलेज, यानी कि जो ऑफरी है जिससे वो ऑफर किया जा रहा है, जिससे वो प्रपोजल रखा जा रहा है, उसकी नॉलेज में वो प्रपोजल होना चाहिए। अगर उसकी नॉलेज में वो प्रपोजल नहीं है, उसको उस प्रपोजल की नॉलेज नहीं है, तो वो ऑफर ऑफर नहीं माना जाएगा। इसमें हमें याद आता है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस, जिसमें एक व्यक्ति का भतीजा जो है वो गुम हो जाता है, तो वो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि तुम उसे ढूंढ के ले आओ, और दूसरा व्यक्ति उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद जो पहला व्यक्ति है वो पेपर में या ये कहें एडवर्टाइज़ कर देता है कि जो मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको हम कुछ इनाम देंगे। अब यहाँ पर जो बीनामक व्यक्ति है, जो बिना किसी इनाम के आशय से उस व्यक्ति को ढूंढ के ला देता है, और बाद में उसे पता लगता है कि इस पे तो इनाम रखा गया था, तो वो ए नामक व्यक्ति से कहता है कि जो इनाम रखा गया था मुझे वो इनाम दिया जाए। अब क्योंकि वो अनअवेयर था उस कॉन्ट्रैक्ट से, या ये कहें कि उस कॉन्ट्रैक्ट की उसको नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो इंटाइटल नहीं है वो अमाउंट लेने के लिए। तो इसलिए दोस्तों जो ऑफर है वो ऑफर ही से कम्युनिकेट, या ये कहें उसकी नॉलेज में होना चाहिए। बात करते हैं अगले एसेंशियल की, इनविटेशन टू ऑफर इज़ नॉट द सेम थिंग एज ऑफर इट्सेल्फ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल है ये हमारा, क्योंकि ये बताता है कि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में बहुत बड़ा फर्क होता है, दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। इनविटेशन टू ऑफर या ये कहें किसी प्रपोजल का इनविटेशन और प्रपोजल दोनों सेम नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनविटेशन टू ऑफर के लिए इंटेंशन नहीं होती किसी पर्सन की कि वो सामने वाले व्यक्ति से उस इनविटेशन पर प्रतिक्रिया मांगे। इसे भी हम क्लियर करते हैं एग्जांपल से। दोस्तों एक ड्राई फ्रूट्स की शॉप होती है जिस पर ए नामक व्यक्ति मालिक होता है, या ये कहें उसका शॉपकीपर होता है। बी नामक व्यक्ति आकर उसे बोलता है कि आपके पास बादाम क्या रेट के मिलेंगे। ए नामक व्यक्ति कहता है कि हमारे पास जो बादाम का लोवेस्ट प्राइस है वो है 900 रुपये किलो। तो बी नामक व्यक्ति कहता है ठीक है, मुझे 900 रुपये में आपके बादाम ठीक लग रहे हैं, तो आप मुझे 2 किलो बादाम कर दीजिए। अब ए नामक व्यक्ति जो शॉपकीपर होता है दुकान का, वो उसे बादाम देने से मना कर देता है, वो बोलता है मैं ये बादाम नहीं बेचूंगा। तो जो बी नामक व्यक्ति है वो उसके खिलाफ सूट फाइल कर देता है, और वो कहता है कि इसने 900 रुपये में अपना प्रपोजल रखा और मैंने 900 रुपये में एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस शॉपकीपर पर केस चलाया जाए। तो इस केस में कोर्ट ने बताया कि ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर बोथ आर दी डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर जो इसने किया वो ऑफर नहीं था, वो इन्विटेशन टू ऑफर था, यानी कि ऑफर को इनवाइट करने का जो था वो प्रोसेस था। जैसे हम दोस्तों देखते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, बड़ी बड़ी शॉप्स में वो ब्रोशर्स लगा कर रखते हैं, अपने टेम्पलेट्स लगा कर रखते हैं जिनमें अपना प्राइस लिस्ट लगा कर रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लोगों को इनवाइट करते हैं कि लोग उनसे ऑफर करें, ना कि के वो ऑफर करते हैं लोगों को। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले एसेंशियल की, ऑफर मस्ट बी सर्टेन, यानी कि दोस्तों जो ऑफर किया जा रहा है, जो प्रपोजल रखा जा रहा है, वो सर्टेन होना चाहिए। अगर वो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो फिर प्रपोजल नहीं बन सकता। इसको हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 29 में भी पढ़ा है, जो कहता है एग्रीमेंट फॉर अनसर्टेनिटी इज वॉइड। इसको भी क्लियर करते हैं हम एक एग्जांपल से। दोस्तों ए नामक व्यक्ति के पास में बहुत सारी कार खड़ी हैं, और वो बी नामक व्यक्ति से कहता है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 3 लाख रुपये में, क्या आप उसे खरीदेंगे, और बी नामक व्यक्ति जो है हाँ कर देता है। अब यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं थी कि वो अपनी कौन सी कार बेचना चाहता है, और जो ए ने एक्सेप्ट किया है वो कौन सी कार के लिए किया है। ए नामक व्यक्ति कहता है कि मैं तो अपनी मारुति कार की बेचने की बात कर रहा हूँ, और बी नामक व्यक्ति कहता है कि मैं तो इसकी ह्यूंडई कार को खरीदने की बात सोच रहा था। तो दोस्तों ऑफर के लिए सर्टेनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं अगले एसेंशियल की, ऑफर मस्ट बी मेड इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट नॉट एज ऑर्डर। यानी कि दोस्तों जो ऑफर किया जा रहा है वो रिक्वेस्ट की फॉर्म में होना चाहिए, ना कि किसी ऑर्डर या डिक्टेटर फॉर्म में, तभी तो हम सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया ले पाएंगे। क्योंकि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें बताया गया है कि सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया लेने के आशय से वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए। तो जब हम कमांड करते हैं, किसी से ऑर्डर करते हैं, तो क्या हम उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया ले सकते हैं उस ऑफर पर? नहीं। इसलिए दोस्तों ऑफर मस्ट बी मेड इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट नॉट एज द ऑर्डर। नेक्स्ट एसेंशियल है, ऑफर मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि दो तरह से किसी प्रपोजल को रखा जा सकता है और उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बोलकर
या लिखकर समझाता है तो वो कहा जाता है एक्सप्रेस्ड ऑफर। और जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को इशारों से समझाता है तो कहा जाता है कि इम्प्लाइड ऑफर है। ऊपर हमने जितने भी एग्जांपल्स की बात करी है वो एक्सप्रेस्ड है। मान लीजिए ये के पास में एक पेन है, वो बोलता है कि मैं अपने इस पेन को 10 रुपये में बेचना चाहता हूँ, क्या आप इसे खरीदेंगे, तो ये एक्सप्रेस्ड ऑफर है। वहीं अगर हम बात करें इम्प्लाइड ऑफर की, तो दोस्तों जो ई रिक्शे हैं, ग्रामीण सेवा हैं या जो लोकल ट्रैवलर हैं, वो एक रूट से लेकर दूसरे रूट तक उनका फिक्स प्राइस होता है जो बंधे हुए होते हैं, ये होते हैं उनके इम्प्लाइड ऑफर। तो अगर कोई व्यक्ति उसमें जाकर बैठता है तो इसका मतलब उसने उसके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब हम बात करते हैं अगले एसेंशियल की, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। तो दोस्तों जो ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन से किया जाता है वो स्पेसिफिक ऑफर होता है, और जो बड़े पैमाने पे किया जाता है, जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन से नहीं किया जाता, तो वो जनरल ऑफर होता है। जैसे कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में था, उसने एडवर्टाइज़ किया था तो वो जनरल ऑफर था। बाकी जो पेन वाला केस था या गाड़ी वाला केस था जिसमें ए ने बी से डायरेक्ट बात करी, तो वो स्पेसिफिक ऑफर था। अब बात करते हैं हम अगले एसेंशियल की, ऑफर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि दोस्तों अगर किसी कार्य को करने के लिए, तो जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि कोई भी ऑफर होगा वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी कार्य को करने के लिए ऑफर किया है तो वो पॉजिटिव है, और अगर किसी व्यक्ति ने किसी कार्य को ना करने के लिए ऑफर किया है तो वो नेगेटिव है। क्लियर करते हैं इसको भी एक एग्जांपल से। ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति से कहा कि अगर तुम मेरे घर में रोज़ सफाई करोगे तो मैं तुमको 500 रुपये पर डे के हिसाब से दूंगा, तो ये हो गया पॉजिटिव ऑफर। वहीं ए नामक एक हस्बैंड ने बी नामक अपनी वाइफ से कहा कि अगर तुम मुझ पर मेंटेनेंस का केस ना करो तो मैं तुमको पर मंथ 5000 रुपये एज ए मेंटेनेंस देता रहूँगा। तो दोस्तों यहाँ केस ना करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफर। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से ये एसेंशियल भी आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट एसेंशियल ऑफ द वीडियो, या ये कहें लास्ट एसेंशियल ऑफ द प्रपोजल, ऑफर में भी कंडीशनल और अनकंडीशनल। यानी कि दोस्तों जो ऑफर है, जो प्रपोजल है, वो कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। क्लियर करते हैं इसको भी एक एग्जांपल से। दोस्तों हमने कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की वीडियोस बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है ऊपर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं। और हमने कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात यहाँ पर क्यों करी, क्योंकि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें इस एसेंशियल की, तो अगर मान लीजिए ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति से बोलता है कि अगर तुम्हारे 10th में 80% नंबर आए तो मैं तुमको 10,000 रुपये एज ए गिफ्ट दूंगा, तो यहाँ पर कंडीशन रखी गई है दोस्तों, तो ये हो गया कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। और अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर सारे थे ही थे, जो गाड़ी वाला था या जो पेन वाला था, वो सारे अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट थे जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं रखी गई है। तो दोस्तों ये थे प्रपोजल, या ये कहें ऑफर की डेफिनेशन और उसके एसेंशियल। अगर आपका ये सवाल पेपर में 10 नंबर का आता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 10 नंबर का आता है, तो आप इसे एज इट इज़ जैसे हमने लिख रखा आप ऐसे ही उतार देंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल उसमें डाल देंगे। पर अगर आपका ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 20 नंबर का आता है, तो उसमें ज़रूर प्रपोजल के साथ में एक्सेप्टेंस भी पूछेगा कि प्रपोजल और उसके एसेंशियल बताएं, साथ में एक्सेप्टेंस और उसके एसेंशियल भी बताएं। तो दोस्तों प्रपोजल और उसके एसेंशियल हमने आज की वीडियो में बना दिया है, एक्सेप्टेंस और उसके एसेंशियल हम बनाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि आपका 10 नंबर का जो पेपर था वो यहाँ पर आज सॉल्व हो चुका है, और 10 नंबर के लिए आपको हमारी एक्सेप्टेंस वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक पेज का लिंक और अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डाल दिया है, तो अगर आपको कोई डाउट है और आप अपने उस डाउट को हमसे क्लियर करना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें, चाहे फेसबुक पर करें चाहे इंस्टाग्राम पर करें। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।